गेस्ट थोड़े से शाय हैं. विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली. जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय. होली की आप सबको बहुत बहुत बधाई. उम्मीद करती हूँ आप सबकी होली इन्हीं रंगों की तरह रंगीन हो और खुशहाल हो. और इसी दुआ के साथ हम आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, आज मैंने लंच कम ब्रंच यानी कि ब्रेकफास्ट कम लंच में आज मैंने बना लिए हैं. थोड़ी सी कढ़ी बनाई है मैंने. ये रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी हुई है. बिना पकोड़ों वाली ये महाराष्ट्रीयन कढ़ी बनाई है मैंने. ये देखिए इस तरह से. और साथ में मैंने बनाए हैं सूखे आलू हरी प्याज के साथ में. हरी प्याज में डाल करके इसको तड़का दे करके अच्छे से ये बनाए हैं. इसकी रेसिपी मैं फिर आपके साथ कभी किसी और दिन शेयर कर दूंगी. और साथ में मैं आज बनाऊंगी पूड़ी. तो पूड़ी के लिए मैंने आटा लगा लिया है और आटे के साथ ये लोइयां बना करके रख ली हैं. इसको मैं बेलूंगी और पूड़ियाँ फटाफट से बना लूँगी क्योंकि घर में आए हुए हैं कुछ गेस्ट, तो इसलिए आज थोड़ा सा लेट भी हो गया बनाने में. तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको. साथ में मैंने बना ली है इसमें धनिए की चटनी. ये देखिए गरम गरम पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं और सारी ऐसे फूली हुई हैं जैसे कि पता नहीं क्या. और एक मैंने ये छोटी सी बनाई है, देखिए दिखा आपको, दिल वाली बनाई है पूड़ी मैंने. तो ये भी बहुत अच्छे से फूल गई है. तो चलिए, आपको इन सब में से कुछ अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप ज़रूर कर देना. लाइक शेयर करना मत भूलना. फ्रेंड्स, गेस्ट थोड़े से शाये हैं तो मैं उनका टैटू दिखा देती हूँ. ये देखिए टैटू इन्होंने बनाया है. पटाया गए थे ये, तो वहाँ से इन्होंने टैटू ये बनाया है. ये भोले शंकर के ऊपर में है. तो फ्रेंड्स, खाना बन के रेडी हो चुका है स्वादिष्ट वाला. वो हम खा लेते हैं क्योंकि बड़ी जोर से भूख लगी है. तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में. अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हैप्पी. बाय बाय.